गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स का ही जो लास्ट केस बचा था हमारे पास, दैट इज हाउ इट एक्ट्स एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द केसेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये आपका, मेनली एग्जाम में यही पूछा जाता है, हाउ इट एक्ट्स एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर। इसमें देखिए अब हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, लेट दिस प्लेट इज योर पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज योर नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी क्या आती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो ये प्लेट ली है ये इनफिनाइट लेंथ की है हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, मान लो हमने यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है आपका, चार्ज पार्टिकल क्यों, मान लो वो वी नॉट वेलोसिटी से अंदर एंटर हुआ। ठीक है, जब वो वी नॉट वेलोसिटी से अंदर एंटर हुआ तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। तो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कि वो यहाँ पे क्या है, इनवर्ड्स है, लेट दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है आपका मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और आपके पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड इन, वेलोसिटी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर है इस केस में। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है पुश द पाम दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज योर एफ एम। एफ एम ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ ई नीचे की तरफ, मीन्स जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है क्यू उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, दिस इज इक्वल टू क्यू वी। मैग्नेटिक फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू वी क्रॉस बी, और दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कितना एंगल हुआ 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगी, क्यू वी बी साइन 90 मीन्स 1, मीन जहाँ पे जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज क्यू वी बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू ई। अब इसमें केस बनेंगे हमारे, केस वन, केस वन क्या है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है मैग्नेटिक फोर्स से, और ये वाली फोर्स ज़्यादा है इस वाली फोर्स से, दैट इज क्यू ई अगर ज़्यादा है आपके पास क्यू वी बी से, तो आपके पास जो पैराबोला आएगा इट टेक्स सम पैराबोलिक पाथ। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, इट टेक्स सम पैराबोला पाथ दैट इज ऐसा कुछ, आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। केस सेकंड क्या है, अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो हमारे पास पार्टिकल ऐसा जाएगा, मीन्स अगर आपके पास क्यू वी बी ज़्यादा है क्यू ई से, तो हमारे पास जो पैराबोला आएगा इट इज समवर्ड अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर से ऐसे जाएगा ये नीचे से। थर्ड केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, इसको रब कर रहे हैं, इट टेक्स एज वेलोसिटी सिलेक्टर, केस थर्ड, हमें यही चीज चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए। दिस इज अवर रिक्वायर्ड केस, व्हेन क्यू ई बिकम्स इक्वल टू क्यू वी बी,
और ई अपॉन बी इज इक्वल टू बी, बी इज अवर वेलोसिटी, सो इट एक्ट्स एज, या फिर बी नोट है हमारे पास, तो आप बी नोट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, व्हेन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की जो रेशियो है वो बी नोट के इक्वल हो जाए, दैट इज अवर एक्ट्स एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिया जाता है क्योंकि एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन भी ले सकते हो, माइनस ई अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए, मान लो हमने यहाँ पे कोई छोटा सा होल ले लिया, जो आपके पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि हमें कुछ जो रेज हैं, मान लो आपने यहाँ से चार्ज पार्टिकल थ्रो करने स्टार्ट किए, आपको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए। पर्टिकुलर वेलोसिटी मीन्स हमने वेलोसिटी सेलेक्ट कर रखी है कि हमें एक्स वेलोसिटी का कोई पार्टिकल चाहिए या वाई वेलोसिटी का कोई पार्टिकल चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ से स्लिट है, ठीक है, जो पार्टिकल आपने फेंका वो एज इट इज, अगर ई अपॉन बी की रेशियो इक्वल हो जाएगी तो वो जिस वेलोसिटी से अंदर एंटर हुआ उसी वेलोसिटी से यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर ये भी टू है, ये भी टू है, टू से टू कैंसिल होके वन आ गया, जितनी वेलोसिटी यहाँ से एंटर हुआ उतनी वेलोसिटी से एज इट इज स्ट्रेट लाइन कवर करता हो बाहर आ जाएगा। और इससे जो हमारे पास क्या है, जो ज्यादा वेलोसिटी के पार्टिकल होंगे जिन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी वो तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, सिमिलरली जिन पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जिसकी ये पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, जो भी आपको एक्स पार्टिकल चाहिए इतनी वेलोसिटी का, वो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता हुआ इस होल से क्या आ जाएगा, हमें बाहर मिल जाएगा। और जितनी वेलोसिटी के हमें वो पार्टिकल चाहिए, मान लो हमने यहाँ से इनफिनाइट, मान लो यहाँ से 30 पार्टिकल्स शो किया आपने, उसमें से जो 15 पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, तो वो वन बाय वन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और बाकी जो लेस और हाई वेलोसिटी के पार्टिकल होंगे वो इससे दूर कहीं फार अवे थ्रो अप हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी सिलेक्टर एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।